Hello students, welcome to my channel. Today I shall continue with Edward the Second, Act 1, Scene 2, Part 2, Scene 2, Part 1, Scene 2, Part 1, Scene 2, Part 1, please वहाँ से जाके उसके सुन लीजिए. And जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, a very special request to my non-subscribers, please subscribe to my channel and please press the like button and please press the bell icon also to get the latest notification of all my videos. So now let's begin Act 1, Scene 2, Part 2. Part 1 में ये होता है कि लास्ट वो लोग बात करते हैं सब वो लोग कि कैसे जो है बिशप ऑफ कोवेंट्री को कैसे वो लोग अगेंस्ट जाके उनको कैसे मारते हैं, मतलब क्या क्या होता है उनके साथ और गैवेस्टन को क्या पोजीशन मिला है, ये सब वो लोग डिस्कस करते हैं. वैसे ही वो लोग देखते हैं कि एंटर होते हैं आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी और उनके अटेंडेंट उनके साथ आते हैं. आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी कहते हैं, अब वो जो है एक्सप्लेन करते हैं. फर्स्ट वर हिज सैक्रेड गारमेंट्स रेंट एंड टॉर्न. अब वो समझा रहे हैं कि कैसे जो है बिशप ऑफ कोवेंट्री के सैक्रेड, क्योंकि वो जो है वो जो पहन के रहते हैं जो वो कोट वो बहुत ही सैक्रेड है, वो सिर्फ प्रीस्ट लोग को मिलता है पहनने के लिए. अब वो तो आर्क बिशप थे, ठीक है, तो वो कहते हैं उनका सैक्रेड गारमेंट्स को तोड़ा फाड़ा गया, मतलब रेंटेड, मतलब उनको पूरा, मतलब कोई पार्ट नहीं है जो क्लोक का जो कुछ बचा होगा वो सब कुछ फाड़ दिया जाता है. देन लेड दे वायलेंट हैंड्स अपॉन हिम, और फिर उनको मारा जाता है. और नेक्स्ट क्या करते हैं लोग, हिमसेल्फ इम्प्रिजेंट, उनको इम्प्रिजेंट कर दिया गया ना वो टावर ऑफ लंडन में. एंड हिज गुड्स असिस्ट, और उनके गुड्स को, उनकी जो सारी प्रॉपर्टीज है, लैंड है, सबको हथिया लेते हैं वो लोग. और उसके बाद दिस सर्टिफाई द पोप, अब वो कहते हैं ये मैसेज जो है, ये इंफॉर्मेशन जो है पोप को भेजो, जो रोम में आज भी उनके जो सबसे हेड होते हैं पोप, वो रोम में है आज भी क्रिश्चियंस के. अवे टेक हॉर्स, वो अपने अटेंडेंस को कहते हैं, मतलब एक सीन है जहाँ पर आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी अपने अटेंडेंस यानी अपने लोग को कहते हैं कि तुम लोग जाओ अपना हॉर्स निकालो और जाओ जाके ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा के, क्योंकि कितना जिल्लत मतलब उनको दिया गया है बिशप ऑफ कोवेंट्री को. अब लैंकास्टर कहते हैं, लैंकास्टर वही सब है सीन्स में. अब वो कहते हैं माय लॉर्ड विल यू टेक आर्म अगेंस्ट द किंग, क्या आप कोई फाइट करेंगे किंग के खिलाफ, मतलब कोई वॉर करेंगे आप. आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी कहते हैं व्हाट नीड आई, देखो यहाँ पे वो बहुत बड़ी बात कहते हैं, मुझे क्या जरूरत है, गॉड हिमसेल्फ इज अप इन आर्म्स, खुदा खुद उनसे बदला लेगा, गॉड खुद उनसे बदला लेगा. क्यों, व्हेन वायलेंस इज ऑफर्ड टू द चर्च, क्योंकि उन्होंने चर्च की बेइज्जती की है, चर्च के प्रीस्ट की बेइज्जती की है. तो अगर कोई अपने रिलीजन के अगेंस्ट जाएगा या रिलीजन को ह्यूमिलेट करेगा या उसके लोगों को नुकसान पहुंचाएगा तो गॉड हिमसेल्फ इज टेक, मतलब गॉड खुद इसका बदला लेगा, मुझे लेने की कोई जरूरत नहीं. एंड दिस विल हैपन इन फ्यूचर, यू विल सी इन अदर सीन्स, यू विल गेट टू नो दैट दिस हैपन्स इवेंचुअली. यंगर मॉर्टिमर, देन विल यू ज्वाइन विद अस, क्या आप हमें हमारे साथ, मतलब अगर आप नहीं करेंगे तो क्या आप हमें ज्वाइन करेंगे. दैट बी हिज पेयर्स, क्योंकि हम लोग उनके पेयर्स हैं, क्योंकि हम लोग कोई अपने कंट्री को बचाना है रियान को. टू बैनिश और बिहेव दैट गैवेस्टन, चाह तो हम लोग उसको बैनिश करें यहाँ से, उसको यहाँ से निकाल फेंके, या तो उसको काट दे, उसका सर काट दे, बिहेव मतलब उसका सर काट दे. अब ये सीन में यहाँ पे फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रही है, एंटर क्वीन इजाबेला, जो किंग की वाइफ है. अब उनका अलग प्रॉब्लम है, उनकी अलग प्रॉब्लम्स है, वो आप सुनिए. यंगर मॉर्टिमर, वो पूछते हैं, यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट है जो मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगी, बट सिर्फ इतना बता देती हूँ कि यंगर मॉर्टिमर और क्वीन इजाबेला, यहाँ यंगर मॉर्टिमर ही क्वीन इजाबेला को पहले एड्रेस करते हैं, तो इसके आगे मैं आपको बताऊंगी. अब यंगर मॉर्टिमर कहते हैं मैडम विद द वॉक्स योर मेजेस्टी सो फास्ट, आप क्यों इतना, मतलब इतना ज़्यादा आप हड़बड़ा रही हैं, आप क्या हुआ, इतनी घबरा क्यों रही हैं आप. क्वीन इजाबेला अन टू द फॉरेस्ट, मैं जा रही हूँ फॉरेस्ट में. जेंटल मॉर्टिमर, देखो यहाँ पे वो हमेशा जेंटल स्वीट कहती है मॉर्टिमर को, आगे वो स्वीट भी कहेंगी. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. टू लिव इन ग्रीफ एंड बेलफुल डिसकंटेंट, ग्रीफ और मतलब ग्रीफ मतलब दुख में, बेलफुल मतलब बहुत ही सोरोफुल जिंदगी में जीऊंगी. क्यों, फॉर नाउ माई लॉर्ड द किंग रिगार्ड्स मी नॉट, क्योंकि मेरा अभी जो मेरे हस्बैंड है जो किंग है वो मुझसे कोई मतलब ही नहीं रख रहे हैं, कोई उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है. बट डोट्स अपॉन द लव ऑफ गैवेस्टन, क्योंकि अभी सिर्फ उनको जो है गैवेस्टन से ही प्यार है और किसी से नहीं है, सिर्फ वो गैवेस्टन को ही अपना प्यार दे रहे हैं.
ही क्लैप्स हिज चीक, वो बता रही हैं कैसे, वो डिस्क्राइब कर रही हैं कि उसका चीक्स को जो फॉन करते हैं, हैंग्स अबाउट हिज नेक। ये थोड़ा यहाँ पर होमोसेक्सुअलिटी है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर क्रिस्टोफर मार्लो ने थोड़ा डिस्क्राइब भी किया है कि कैसे वो लोग प्यार कर रहे हैं दूसरे को, चीक पकड़ रहे हैं, नेक को पकड़ रहे हैं, स्माइल्स इन हिज फेस, कभी उनको देख के मुस्कुराते हैं, एंड विस्पर्स इन हिज ईयर्स, उनके कान पे कुछ कुछ गुनगुनाते हैं, मतलब फुल्ली उनके पीछे एकदम जैसे एक रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा उन लोगों का स्ट्रॉन्ग है। एंड वेन आई कम, जिससे मैं मुझे देखते हैं वो ही फ्राउन्स, उनका जैसे फ्राउन मतलब ना गुस्सा आता है उनको, एज हु शुड से, उनको कहने का मतलब है कि उनको ऐसा वो फ्राउन करता है जैसे उनको कहने का मतलब है कि गो विद दाउ विल्ट सीन हाई आई हैव गैवेस्टन, उनका कहने का मतलब ये होता है कि जाओ जहाँ जाना है तुमको जाओ, तुम नहीं देख रहे हो कि मैं अभी गैवेस्टन के साथ हूँ। ऐसा होता नहीं कि हम लोग किसी के साथ बहुत इंग्रॉस्ड होते हैं किसी से बात करते हुए, तो कोई अगर आके डिस्टर्ब करता तो हमें कितना गुस्सा आता है, वैसे किंग को यहाँ पे गुस्सा आता है, वो क्वीन को देखते हैं, बट दैट इज़ नॉट फेयर क्योंकि वो क्वीन है, इसीलिए क्वीन यहाँ पे डिस्कस कर रही है अपनी प्रॉब्लम्स यंग मॉर्टिमर से। अब एल्डर मॉर्टिमर कहते हैं, अब वो सुन के बड़ा स्ट्रेंज फील करते, इज इट नॉट स्ट्रेंज दैट ही इज दस बीविच्ड। आप बीविच का मतलब है कि ऐसा तो नहीं है कि जो गैवेस्टर ने कुछ जादू कर दिया उनके ऊपर, बीविच मतलब कुछ मैजिक तो नहीं कर दिया उनके ऊपर। तो यंग मॉर्टिमर कहते हैं, मैडम रिटर्न अन टू द कोर्ट अगेन, आप प्लीज वापस जाइए कोर्ट, दैट्स लाई इन विंगलिंग फ्रेंचमैन, इंग्लिंग मतलब वो बाहर क्या है ना, कनिंग फ्रेंचमैन जो है विल एग्जाइल, हम लोग उसको बाहर फेंकेंगे यहाँ से, जो अपने ट्रिकी मेथड से, जो स्लाई स्विक बुला रहा है क्योंकि वो अपने ट्रिकी मेथड से किंग का प्यार को तो ले लिया, फेवर भी ले लिया, पर हम लोग उसको यहाँ से निकाल फेंकेंगे और लूज आवर लाइफ, अगर हम लोग नहीं निकाल फेंकेंगे तो तब तक हम लोग उसको लिए लड़ेंगे जब तक हम लोग अपनी जान ना दे दें। एंड येट ईयर मतलब बिफोर दैट डे कम्स द किंग शैल लूज हिज क्राउन, अगर ऐसा नहीं हुआ तो या तो किंग को अपना क्राउन खोना पड़ेगा, और वी हैव पावर एंड करेज टू बी रिवेंज्ड एट फुल, तो हम लोग के पास इतना पावर, इतना मिलिट्री स्ट्रेंथ है कि हम लोग किंग के खिलाफ पूरा वॉर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि यंगर मॉर्टिमर हमेशा किंग के खिलाफ होते हैं, हमेशा किंग के वॉर के लिए होते हैं, हमेशा किंग को अपने मतलब किंग को उसको थ्रोन से हटाना होता है, ये बाद में रिवील हो जाएगा, बट आई विल नॉट डिस्क्लोज द मिस्ट्री राइट नाउ बिकॉज इट्स क्वाइट मिस्टीरियस ऑल्सो, दिस प्ले इज वेरी मिस्टीरियस। अब क्वीन इजाबेला यहाँ पर रिक्वेस्ट करती है, बट येट लिफ्ट नॉट योर स्वॉर्ड्स अगेंस्ट द किंग्स, बट हाँ एक चीज का ध्यान रखना कि तुम लोग तलवार मत निकालना किंग के खिलाफ, क्यों, क्योंकि उस जमाने में कि अभी भी ये माना जाता है कि किंग जो है वो डेप्यूटी है गॉड का, मतलब गॉड ने उसको बना के भेजा है, तो इसीलिए तुम ऐसा कुछ काम मत करना। लैंकास्टर कहते हैं, नहीं नो बट वी विल लिफ्ट गैवेस्टन फ्रॉम हेंस, बट हाँ हम लोग गैवेस्टन को तो यहां से निकाल देंगे। वॉरविक एंड वॉर मस्ट बी द मींस, और वॉर ही एक जरिया है, और ही विल स्टे स्टिल, या तो अगर हम लोग वॉर नहीं करेंगे तो वो हमेशा गैवेस्टन जो अपने वही पोजिशन में रहेगा, उसको और निकालने का और कोई जरिया नहीं है। तो कोई ऐसा बेला यहाँ कहती है, फिर वो अपना प्यार दिखाती है जो बहुत ही मुझे भी एक्सेसिव लग रहा है, तब वो कहती है देन, क्योंकि यहाँ पे वो किंग से तो प्यार कर रही है पर अपनी कंट्री से नहीं, उनको ये नहीं पता कि गैवेस्टन के फ्रेंड्स उनकी कंट्री के लिए भी खराब है। वो कहती है देन लेट हिम स्टे, तब उसको रहने दो फिर, फॉर रादर देन माई लॉर्ड शैल बी ओप्रेस्ड विद सिविल म्यूटिनिटीज, मतलब अगर ऐसा है तो उसको रहने दो, इससे अच्छा है कि मेरे, क्योंकि आप लोग अगर वॉर करेंगे तो मेरे जो हस्बैंड को वॉर का कुछ झेलना पड़ेगा, वॉर को बर्दाश्त करना पड़ेगा, वॉर के लिए लड़ना पड़ेगा, तो रहने दो, मुझे नहीं चाहिए कि मेरे हस्बैंड को कोई वॉर में वो जाए, अपने ही लोगों के अगेंस्ट वो जाए। आई विल एंजॉय अ मेलनकली लाइफ, मैं खुश हूँ, मैं एक दुखी जिंदगी में बिता लूंगी, एंड लेट हिम मतलब हस्बैंड को कह रही है, लेट हिम फ्रॉलिक विथ हिज मिनियन, मिनियन मतलब गैवेस्टन, मतलब फेवरेट उसको बोलते हैं मिनियन का मतलब, तो लेट हिम इन्वॉल्व इन विद गैवेस्टन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं ये नहीं चाहती कि मेरी वजह से उनको वॉर हो, मतलब वो वॉर में जाए और लड़े और कुछ हो जाए उनको, मैं वो नहीं चाहती। आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी कहते हैं, वो अपने पियर्स को कहते हैं, मतलब अपने लोगों को, मतलब यंग मॉर्टिमर है, एल्डर है, लैंकास्टर है, वॉरविक है, वो कहते हैं कि माई लॉर्ड्स टू ईज ऑल दिस, वो कहते हैं कि एक मिनट लॉर्ड, मुझे ये सिचुएशन को नॉन वायलेंटली अगर आपको हैंडल करना है तो, बट हियर मी स्पीक, तो मुझे कुछ बोलने दीजिए, वी एंड द रेस्ट, हम लोग जो और बाकी लोग हैं, दैट आर इज काउंसलर्स, हम लोग काउंसलर्स है भाई, हम लोग जो है बिशॉप, हम लोग काउंसिल करते हैं किंग को, वी हैव दैट पावर, वील मीट एंड विद अ जनरल कंसेंट, हम लोग मिलेंगे, बैठक करेंगे और एक जनरल कंसेंट के साथ कन्फर्म हिज बैनिशमेंट विथ आवर हैंड्स एंड सील्स, हम लोग उसका बैनिशमेंट लेकर आएंगे, सील के ऊपर लेकर आएंगे।
तो लैंकेस्टर यहाँ पे कहते हैं बट वी कंफर्म द किंग विल फ्रस्ट्रेट, ये बात वो सही कहते हैं, हम लोग जिसको कंफर्म करेंगे किंग उसको चेंज कर देंगे, अपने ऑर्डर्स को चेंज कर देंगे, फ्रस्ट्रेट मतलब किंग उसको बदल देंगे। तो यंगर मॉर्टिमर कहते हैं देन मे वी लॉफुली रिवोल्ट फ्रॉम हिम, अगर ऐसा होगा तब हम लोग रिवोल्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो एक पार्लियामेंट का बात को रिजेक्ट कर रहे, तो हम लोग के पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी होगा अगेंस्ट जाने का। वॉरविक कहते हैं बट सी माई लॉर्ड वेयर शैल दिस मीटिंग बी, पर ये कहाँ होगा ये मीटिंग लॉर्ड, आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी कहते हैं एट द न्यू टेम्पल, न्यू टेम्पल में। यंगर मॉर्टिमर कंटेंट, वो अग्री होते हैं, ओके वी अग्री, आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी। उसके बाद वो कहते हैं एंड इन द मीन टाइम आई विल एंट्रीट यू ऑल, मैं चाहता हूँ कि ये बीच में तुम लोग, मैं तुम लोग के साथ रहूं, एंड ट्रीट मतलब यू ऑल टू क्रॉस टू लैम्बेथ, मतलब वो लैम्बेथ में उनका घर है वहां चलो, एंड देयर स्टे विथ मी, और वहां मेरे साथ कुछ वक्त बिताओ, मतलब उन लोग साथ में बात भी करेंगे। लैंकास्टर कम देन लेट्स अवे, चलो ठीक है। अब यंग मॉर्टिमर कहते हैं मैडम, उसे उनको वही बोल जाते हैं मैडम फेयरवेल, तो क्वीन इज़ेबेल यहाँ पे कहती है फेयरवेल स्वीट मॉर्टिमर, स्वीट कहती है वो। ये आके आपको पता चले कि क्रिटिक्स लोग बहुत यहाँ पे जो इसको बहुत ये पॉइंट को उठाए हैं, एंड फॉर माई सेक वो कहती हैं फॉर बेयर टू लेवी आर्म्स अगेंस्ट द किंग, और वो ये रिक्वेस्ट सिर्फ यंगर मॉर्टिमर से ही कर रही है कि मेरे खातिर जो है प्लीज आर्म मत उठाना, मतलब कोई रिवोल्ट नहीं करना किंग के खिलाफ, कोई वेपन मत उठाना। तो यंगर मॉर्टिमर बहुत ही यहाँ पर ही मतलब बहुत ही फियरफुल, मतलब बहुत ही गुस्से में कहते हैं कि ए इफ वर्ड्स विल सर्व, हाँ ठीक है हम लोग नहीं करेंगे, अगर किंग हमारी बातें वर्ड्स मतलब अगर हमारा बात उनको समझ आ जाए, वो समझ जाए, तो हम लोग नहीं करेंगे। इफ नॉट आई मस्ट, अगर नहीं हुआ तो मुझे मजबूरन उनके खिलाफ वॉर करना होगा। उसके बाद ये सीन में सब चले जाते हैं। अब एक नया सीन शुरू होता है जो एक्ट वन सीन थ्री है, ये बहुत ही छोटा सीन है जिस सिर्फ यहाँ गैवेस्टन है और एडमंड है जो अभी अर्ल ऑफ कैंट है, एक जगह के नाम है। अब ये दोनों का बात होता है, इसलिए बहुत ही छोटा सा सीन ही है, आई मीन जस्ट फाइव लाइन्स। वो कहते हैं गैवेस्टन एडमंड को द माइटी प्रिंस ऑफ लैंकास्टर, जो यहाँ पे गए ना लैंकास्टर और वॉरविक सब गए ना यहाँ पे उसके साथ रहने के लिए आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी के साथ लैम्बेथ में, तो यहाँ पे वही वो बात कहते हैं द माइटी प्रिंस ऑफ लैंकास्टर दैट हैड मोर अर्लडम्स देन एन एस कैन बेयर। यहाँ पे वो गुस्सा में कह रहे हैं कि उनके पास इतने अर्लडम्स है, इतने सारे कंट्रीज है उनके अंडर में, जितना एक एस मतलब एक गधा के ऊपर एक लोड भी नहीं होता, इतना लोड है उनके ऊपर। एंड बोथ द मॉर्टिमर्स टू गुडली मैन, बोथ जो मॉर्टिमर्स वो लोग भी गए हैं विद गाय ऑफ वॉरविक, जो वॉरविक है दैट रीडाउटेड नाइट, मतलब वो बहुत ही ब्रेव सोल्जर है, बहुत ही नाइट मतलब बहुत ही ब्रेव सोल्जर है वो, उनके साथ आर गॉन टूवर्ड्स लैम्बेथ देट लेट देम रिमेन, ठीक है अच्छा है वो लोग चले गए वहाँ पर तो वहीं रहने दो उन लोगों को, और फिर यहाँ से वो लोग लीव हो जाते हैं। अब जो आता है वो आपके पास एक्ट वन सीन फोर विच इज़ अ वेरी लेंदी सीन, सो आई विल ट्राई टू फिनिश दिस ऑल्सो एज सून एज पॉसिबल, टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।